करते करते ऑलरेडी 15-20 मिनट हो गए हैं और अभी भी दिखा रहा है मैप में 9.7 किलोमीटर। ये सामने देख रहे हो भाइयों, ये है SMC साइड जो कि सेबू का बिगेस्ट मतलब मॉल है और ये साथ में सी है बिल्कुल यहाँ पे। ये ऐसा एटमोसफेयर है यहाँ पे भाई, आइस स्केटिंग करके मजा आ रहे हैं। किस तरह स्केटिंग किया बता दो मेरे को भाई। डोंट सो फास्ट। व्हाट्स योर नेम? या हिंद? या नो जय हिंद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? यार कैसे हो, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो राइट नाउ मैं सेबू के अंदर हूँ, शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, 4:30 to 5 o'clock, और अभी मैं जा रहा हूँ एक मोटर बाइक मतलब रेंट करने के लिए। हाँ, अब तक मैंने मोटर बाइक में यहाँ पे रेंट नहीं किया, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि सेबू को थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करूँ, कई जगहों पर जाऊँ, मतलब 4-5 जगहों पर। ये देखा देखो यार कितनी खास जगह है, कितनी बढ़िया जगह है। ये देखो, अगर कोई सेबू से है तो मेरे को बताओ यहाँ पे कभी आया कि नहीं आया। सेबू में इस टाइम पे मैं मकान में नहीं, सेबू सिटी में मतलब वो मतलब रह रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसे होते हैं ये मकान वगैरह, ऐसे होते हैं मतलब यहाँ पे। ये देखो, और ये सारी स्टोर यहाँ पे होती है। आप कभी भी जैसे मतलब मनीला में होती है, और वो जो पानी पीने का आपको मिल रहा है एक पैसों मतलब वो डालोगे तो थोड़ा सा मतलब भर के देगा, यानी पूरी बोतल जो यहाँ पे 25 पैसों की मिलती है वो 7 या 8 पैसों में आपकी मतलब भर जाएगी। और इस टाइम यार मेरा एक फ्रेंड है जो मुझसे मिला था मतलब यहाँ पे, मिस्टर हीज़ फ्रॉम यू नो स्वीडन। मुझे मिला अभी, एंड ही इज फ्रॉम यू नो स्वीडन, ही इज आल्सो स्टेइंग इन द सेम होटल एज आई एम। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू रेंट ए बाइक, मतलब बाइक यहाँ पे रेंट करने के लिए मतलब जा रहे हैं। तो उनसे मेरी बात होगी ऑलरेडी बाइक वालों से, उन्होंने कहा कि हमारे लोकेशन पे आ जाओ, उनके लोकेशन पे मतलब हम जा रहे हैं। वो डिलीवरी भी मतलब वो कर सकते थे, लेकिन डिलीवरी करने के लिए 200 पैसों लगते हैं एक्स्ट्रा, 200 पैसों एक्स्ट्रा। जो सबसे सस्ती बाइक है वो 400 पैसों की है, फिर 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे मतलब वो रेट्स हैं। तो आप ऐसे अगर आप मतलब फिलीपींस में अगर आ रहे हो तो यहाँ पे यार ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारी जीप्स वगैरह होती है, आपको नहीं पता कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं जाना। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल टू रेंट ए बाइक, और बाइक रेंट करने के बाद आप सब जगह पे मतलब घूम सकते हो, जितनी भी जगह हैं सारी की सारी। हालांकि इस टाइम पे शाम के 4:30 बज चुके हैं, मतलब 5 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को लगा कि अभी हम राइट मतलब वो कर लेंगे रेंट बाइक, तो मतलब काफ़ी जगह कवर वो कर सकते हैं। और सुबह यहाँ पे काफ़ी धूप होती है इसलिए मैंने सुबह नहीं किया। तो अभी चलते हैं यार उस जगह पे लोकेशन पे, और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे मतलब वो रेंट करनी है बाइक, कैसे क्या करना है। ये देखो यहाँ पे आसपास का एरिया बहुत सही एरिया है यहाँ पे, ऐसे ही देखो लोकेशन, और ये इस तरह की मतलब यहाँ पे मिलती है जगह है। यहाँ पे ये खाने पीने के लिए आप मतलब वो बारबेक्यू वगैरह आ सकते हो, मतलब खा सकते हो, यहाँ पे सस्ता होता है ये फूड, लेकिन खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, बट काफ़ी फेमस है फिलीपींस के अंदर। ओ सो गाइस, ये देखो ये सेबू का एक और वो दूसरा एरिया आ गया, और ये जो चर्च आप सामने देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब चर्च इन सेबू, 1648 पीटर मेरे को बता रहा है। ये देखो नाइस प्लेस, एंड हियर यू सी दिस इज़ द डाउनटाउन सेबू। और यहाँ पे अभी IT पार्क वगैरह में भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पे सेबू का। देखो भाई, सो भाई यहाँ पे बाइक रेंट करने के लिए आए हैं। हाँ जी, सो यहाँ पे जो बाइकों के बारे में बताया था मैंने, सारी बाइकें तो मतलब नहीं मिली, बट ओनली दिस 2 बाइक्स आर देयर। इनमें से मैं सोच रहा हूँ ये रेंट कर लूँ, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब ये 550 ये पैसों की बोल रहे हैं। तो ओके आई विल रेंट दिस। ओके सो यहाँ पे सारी तो बाइक नहीं मिल रही 450 की, लेकिन ये वाली बाइक मिली है मेरे को, ये वाली बाइक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये भाई 550 की है। तो मतलब मुझे लग रहा है 100 पैसों के लिए यार क्यों वो करना, मतलब ऑलरेडी जो भी जगह हमने घूमनी है वो तो हो ही जाएगी ये बाइक मतलब वो रेंट करके। एंड व्हाट अबाउट द गैसोलीन? इट्स फुल टैंक, ओके 3 लीटर, एंड इन 1 लीटर मे बी 30-40 किलोमीटर इज ओके, सो मे बी 100 किलोमीटर, राइट? सो मे बी मैं ये बोल रहे हैं कि फुल टैंक यहाँ पे मतलब वो मतलब मिलता है, और जब आप रिटर्न करेंगे तब भी फुल टैंक ही होना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे जो कि थाईलैंड में नहीं होती, और ये यहाँ पे फिलीपींस में होगी। तो ये 550 बोल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर? यस
तो भाई बाइक रेंट कर लिया है इन्होंने, लिए 1100 पैसों, 50 पैसों बोल रहे हैं कि मतलब उसके मतलब हेलमेट के वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, 500 पैसों सिक्योरिटी डिपॉजिट। बाइक, दिस इज़ द बाइक, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ बाइक रेंट करो तो पहले वीडियो बना लिया करो, ताकि देखो ये बाइक है और इस पर थोड़े से यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, नॉट सो वेल, बाकी ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस यहाँ हैं, ये वीडियो बना लो और यहाँ से देखो ये थोड़े बहुत यहाँ पे मतलब वो स्क्रैचेस हैं, इट्स गुड। एंड देन ये नंबर है इसका यहाँ पे, तो अभी चलते हैं भाई। ये बाइक है यामा की, यामा 5 बज, और ये आपकी ये स्ट्रीट है 8th Street हॉस्टल, यहाँ पे सामने यहाँ पे ये है पूरा। तो अभी पहले यहाँ पे मकटान एक जगह है, मकटान लापू लापू जो मैंने आपको वो मतलब ब्रिज दिखाया था उसको बगल के, वहाँ पहले चलेंगे मतलब वो चलाएंगे इसको, टंकी बिल्कुल फुल है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अभी चलते हैं भाई, थैंक यू वेरी मच। तो भाई ये देखो यार, ये जलेबी है सामने, ये देखो बाइक हमने रेंट कर लिया है और फाइनली वी आर ड्राइविंग द बाइक। यहाँ से मकटान श्राइन का पहला स्टॉप है जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर है, 16-17 के मतलब वो किलोमीटर, और ऐसे मैंने लगा लिया अपना मोबाइल और गूगल मैप ओपन कर लिया, 2 ग्रिंगोस, ऑल द बेस्ट भाई। ड्राइव करते करते, ओ माय गॉड, ड्राइव करते करते ऑलरेडी 15-20 मिनट हो गए हैं और अभी भी दिखा रहा है मैप में 9.7 किलोमीटर, और सामने देखो ये उस मतलब वो ब्रिज को, कितना ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। फिलीपींस में ट्रैफिक बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा, और अभी ढंग से ड्राइव करनी पड़ेगी भाई। पीछे भाई भी बैठे हैं स्वीडन से, भाई दिस इज़ द मेन ब्रिज, डराएगी देखो कितनी भीड़ है भाई यहाँ पे। देखो सनसेट होने वाला है, 5:30 बज चुके हैं ऑलरेडी टोटल, हमारे पीपल आते हैं वो देखो वहाँ पे मतलब फैरी वगैरह है, यू लाइक दैट। भाई वेलकम टू लापू लापू सिटी, द हिस्टोरिक सिटी, यहाँ पे आ चुके हैं भाई अभी हम ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की ड्राइव करने के बाद, और यहाँ से अभी 6-7 किलोमीटर और ये लापू लापू सिटी जो है काफ़ी हिस्टोरिक सिटी है यार, और बहुत सही सिटी है। मकटान आइलैंड बोलते हैं इसको, एक नया आइलैंड आ चुका है मतलब सेबू के अंदर, तो अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो भाइयों ये देखो यार, ये एरिया है, इसको बोलते हैं मकटान श्राइन, लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे आने के लिए हमने ली थी ये बाइक और भी कई जगहों पे जाने के लिए, ये देखो, और यहाँ से एयरपोर्ट भी काफ़ी पास है, इफ़ यू कैन सी द फ्लाइट इज गोइंग ऑन, बट कैन यू कन्फर्म इट इज मकटान श्राइन, आई लव लापू लापू। देखो भाई मैं ये फोटो ढूंढ रहा था, मैं 2017 में आया था, अब से 5-6 साल पहले, तो उस टाइम से प्लेस बिल्कुल चेंज हो गया लापू लापू सिटी। उस टाइम पे ये इतना ज्यादा पार्क वार्क यहाँ पे आसपास मतलब नहीं थे, तो ये जगह है वाली, ये देखो ये जगह है वाली, चेंज हो गया भाई ये काफी, इट्स चेंज अ लॉट, बिफोर इट वाज नॉट लाइक दैट। ओके तो भाई यहाँ पे रात को 7-1 बजे के आसपास हम एक जगह पे आए हैं जिसका नाम है 10,000 Roses। ये कोर्डोवा के अंदर पड़ती है जगह, कोर्डोवा एक मकटान के बिल्कुल लास्ट में, जब बिल्कुल लास्ट में आ जाऊँगा मैं मैप मतलब वो डाल दूंगा, यहाँ पे आसपास पूरा समुंदर है भाई, जब बिल्कुल आप लास्ट में आ जाओगे तो ये जगह आपको दिखेगी। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, ये देखो भाई 10,000 Roses कैफे एंड मोर, लेट्स गो एंड चेक इट आउट, अंदर क्या होता है। यहाँ पे मेरे को फीस भी लग रही है रेगुलर, 20 पैसों फीस है यहाँ पे, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर आप दिन में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको व्यू मतलब वो मिलेगा यहाँ पे। एंड इस टाइम पे यहाँ पे देखो ये 10,000 Roses, और यहाँ पे एक तरह से मतलब पार्क है, रिजॉर्ट है, वो देखो आगे देखो ब्रो,
सो भाई ये देखो, ये है 10,000 रोजेस प्लेस. मे बी नो वन काउंटेड देम बट आई थिंक इट लुक्स लाइक 10,000. व्हाट यू से? ये देखो मेरे पीछे 10,000 रोजेस. Someone is taking down the roses. Ooh. But it's looking good, right? Yeah. Yeah, we can go inside. Yeah. Wow. Nice. यहाँ बैठने की जगह है आगे. यहाँ बैठ सकते हो. ये देखो, वाओ, दिस इज अ गुड प्लेस. यहाँ पे एक वाला रेस्टोरेंट भी बना हुआ है आगे, आप वो आओगे तो. ये देखो भाई, ये देखो, यहाँ आप कुछ खा सकते हो. देखो ये इस तरह का मतलब रेस्टोरेंट है. यहाँ पे अंदर बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है शाम के टाइम में. ये देखो भाई, और यहाँ पे आप भी तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सारा समुद्र साट रहता है पूरा पूरा, जो क्योंकि बिल्कुल लास्ट का एरिया है. और ये मतलब ब्रिज पड़ता है वहाँ पे दोबारा से सेबू सिटी में मतलब जाने के लिए. इस टाइम पे हमें मकटान कोडोवा. तो भाई अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खाना वाला करता हूँ, ड्रिंक वगैरह करता हूँ. रात के 10 बजे ये प्लेस बंद हो जाता है. इस टाइम पे पूरे 8 बज चुके हैं. और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया. 3-4 जगह हमने कवर की. मकटान शाइन के बाद एक कोर्ट एक दो जगह गए थे, फिर ट्रैवल किया. मैंने बाइक वाला रेंट की थी 5:30 बजे, और इस टाइम पे पूरे 8 बज चुके हैं. तो यानी पिछले 2.5 घंटे से मैं मतलब बाइक चला रहा हूँ. अभी 1-2 घंटा और मैं जाऊँगा एक दो जगह पे, SMC भी जाऊँगा, देखते हैं वहाँ पे. और उसके बाद शुरुआत करते हैं, और शायद नाइट लाइफ भी आपको दिखाऊँगा थोड़ी. ये सामने देख रहे हो भाइयों, ये है SMC साइड, जो कि सेबू का बिगेस्ट मतलब मॉल है. और ये साथ में सी है बिल्कुल यहाँ पे. ये ऐसा एटमोसफेयर है यहाँ पे. और आई मैंने अपनी बाइक मतलब वो रेंट मतलब वो की हुई थी, वो मैंने बढ़ा ली है एक दिन के लिए. और अभी जा रहे हैं भाई, पीछे मीटर बैठा हुआ है, मीटर के साथ ही मतलब उसको घूम रहे हैं. ठीक है, सही है. शाम के इस टाइम 6 बजे हुए हैं. SMC साइड मॉल ऑफ सेबू सिटी. एंड भाई ये देखो यार, यहाँ पे स्केटिंग रेट्स कितने हैं. 2 घंटे के ये पास के 330 पैसों लगेंगे. सो भाई यहाँ पे हो रहा है यार 2 घंटे का. और ये असिस्टेंट, ये पोलर बियर के लिए 125 एक्स्ट्रा लगेंगे. तो यहाँ पर इस तरह मेरे को ज़रा स्केटिंग नहीं आती, तो मैंने ये पोलर बियर लिया है. और लॉकर वॉकर के लिए ये सब देख लो, 2 घंटे का ये पास है. और मंडे टू वो थर्सडे. ये देखो अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं यार, होपफुली आइस स्केटिंग करते हैं अगले 1.5-2 घंटे तक. A few moments later. तो भाई मेरा भाई मेरे को यार कर रहा है देखो. ओ भाई 2 घंटे के लिए लिए. ओ ब्रो जस्ट लुक एट दैट, इट्स नॉट वेरी. भाई आइस स्केटिंग करके मजा आ रहे हैं. किस किस तरह आइस स्केटिंग किया बता दो मेरे को. ओ भाई डोंट सो फास्ट. मैंने पोलर बियर ले लिया था, और बंदे ने मेरे को इतना घुमाया. भाई ऐसे मत करो यार, डोंट डू लाइक दिस, इट्स वेरी पेनफुल. एंड हाय, It's my first day, and I'm having fun with my very good friend from Sweden. And this guy is very skilled, you know. He's from Sweden. He knows everything. But bro, don't do this. Arey, back off. Oh, arey, bye. Jai Hind, Jai Hind. Bro, you are not saying Jai Hind. Jai Hind. Oh, bhai. I think now it's my time to get up, right? You are making your muscles. Yes, muscles. Good for muscles, right? तो भाई ये देखो, तो पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं. एंड राइट नाउ 7:15 हो चुके हैं. सामने घड़ी लगी हुई है. और ये पोलर बियर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है आइस स्केटिंग करने का. आप भी ले सकते हैं, आप कभी मतलब वो यहाँ पे आए तो. पोलर बियर इसके 125 मतलब वो पैसा एक्स्ट्रा लगते हैं. आई डोंट नो कि थाईलैंड में कितने लगेंगे, बट ये फिलीपींस में तो ऐसा ही होता है. और मैंने पहले खुद ट्राई की, काफ़ी अच्छा लगा मुझे.
और अब मेरा भाई मेरे को करवा रहा है राइड, और अभी मैं खुद अभी करूँगा खड़ा होके, क्योंकि ये मेरे को ऐसे कराता रहेगा ना मैं गिर जाऊँगा भाई। इट्स अ फन ओह माय गॉड, व्हाट, ओ मेरे पैर देखो भाई। Now I have to get up, otherwise you will kill me. Okay, अभी मैं खड़े होते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं, बट खुद मैं पूरी तरह से भी कर नहीं पा रहा क्योंकि जो नीचे लगा हुआ ना भाई इसके, ये स्केटिंग के लिए, ये बर्फ़ को मतलब ये काटने के लिए वो लगा हुआ है। तो अभी खड़ते हैं, खड़े होते हैं, आप भी कभी आओ तो एंजॉय कर सकते हो यार आइस स्केटिंग।